आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे, इजैकुलेशन कैसे किया जाता है दूसरे तरीके से। नमस्कार दोस्तों, SPMT में आपका स्वागत है। इजैकुलेशन मतलब होता है स्पर्म बाहर निकालना, ये ब्रह्मचर्य का टॉपिक है। और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, ब्रह्मचर्य में यही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कोई और तरीका है जिसके ज़रिए हम अपने स्पर्म को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर अपनी मालकियत हासिल कर सकते हैं। और इसी को जो लोग कर लेते हैं उसको लोग ब्रह्मचारी कहते हैं, ब्रह्मचार्य, जिनका उनका बिहेवियर, जिनका स्वभाव या जिनका नेचर ब्रह्म की तरह होता है, गॉड की तरह। मेडिकल में एक बीमारी कही जाती है, उसको बोलते हैं प्री मेच्योर इजैकुलेशन। मतलब जैसे मैं आप अपनी वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर तक आप ठहर नहीं पाते, आपका स्पर्म बहुत जल्दी निकल जाता है, जितना देर तक आप चाहते हैं उससे बहुत पहले। ये ऐसे समझिए जैसे आपने बाइक चलाया, आप कहीं पहुंचना चाहते हैं लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही आपकी बाइक बंद हो गई, उसको बोलते हैं प्री मेच्योर इजैकुलेशन। कुछ आदमी लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ के वजाइना में, उसके सेक्सुअल ऑर्गन में घुसने से पहले ही इजैकुलेट कर देते हैं, बाद में उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, उनको बच्चे नहीं हो पाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अपनी वाइफ के वजाइना में जा करके 10 मिनट बाद इजैकुलेट करते हैं, मतलब स्पर्म 10 मिनट बाद निकलता है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप वजाइना के अंदर या वजाइना से बाहर अपना इजैकुलेशन करें। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, आप और आपकी वाइफ दोनों में कितना गहरा एम्ब्रेस है। एम्ब्रेस को मैं सबसे पहले लेवल पे बोलता हूँ, कितनी गहरी दोस्ती है, जो कि ज़्यादातर कपल्स में नहीं होता है। अब एक नई डेफिनेशन दे रहे हैं, सेक्स को करने से पहले मैं अपनी वाइफ के वजाइना में जाता हूँ, उससे पहले ही मेरा स्पर्म निकल जाता है, ये मेडिकल डेफिनेशन है। ज़्यादातर लोग जिनके बच्चे बच्चे हो जाते हैं उनका तो सेक्स 10 मिनट हस्बैंड्स का, वाइफ का, लेकिन इतने में तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए खुले भी नहीं होते हैं, प्यार चालू भी नहीं होता है। तो देखा जाए तो 90% आदमी लोग जिन्होंने भी अपने सेक्स के ऊपर बहुत काम नहीं किया है अपने, वो सब प्री मेच्योर इजैकुलेशन के ही शिकार हैं। क्यों? बिकॉज अभी तक उनका और उनकी वाइफ का प्यार नहीं हो पाता, प्यार होने से पहले ही स्पर्म निकल गया, चाहे वो वजाइना में निकले चाहे वजाइना से बाहर। अगर आप ज़्यादातर इंसानों की तरह हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो पहला सेक्सुअल एक्सपीरियंस आया था वो किसी लड़की के साथ नहीं आया था, मास्टरबेशन से आया था। मास्टरबेशन क्या करता है, आपके माइंड को एक ख़ास साइकिल में कंडीशन करता है। कंडीशन समझते हैं? जैसे आज हम सब लोग जैसे सुबह उठते हैं तो सबसे पहला क्या काम करते हैं, जाके अपना फ्रेश होते हैं, मंजन करते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं। चाय नहीं पिएंगे, ब्रश नहीं करेंगे तो अजीब सा लगता है। अजीब सा क्यों लगता है? बिकॉज हमारा माइंड कंडीशनड है। ऐसे ही मास्टरबेशन एक ख़ास तरह की रूटीन में हमको डाल देता है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो रूटीन क्या है, इसमें चार चीज़ें हैं। सबसे पहला है जेनिटल सेंसेशन, आपके गुप्तांग पे, आपके पेनिस पे, या अगर आप लड़की हैं तो आपके वजाइना में सेंसेशन होता है। किसी फिल्म को देख करके, किसी से बातचीत सुन करके, किसी लड़की को देख करके आपके जेनिटल्स में कुछ कुछ आपको फीलिंग आई। उसके बाद हुआ मेंटल फैंटेसी, जब आप मास्टरबेशन करने जाते हैं तो आप बाथरूम में या अकेले अपने घर में आँख बंद करके इमेजिन करते हैं किसी लड़की के साथ अपने आप को, उसको बोलते हैं फैंटेसी, सपना देखना, जगते हुए करते हैं, बट वो सेकंड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप होता है, आपकी बॉडी में एक तरह का टेंशन इकट्ठा होता है, आप टेंशन इकट्ठा करते हैं अपने पेनिस के पास, तरह इकट्ठा होता रहता है, और फाइनली होता है इजैकुलेशन, बाहर निकलना। ये चार स्टेप में हमारी मास्टरबेशन हमारे माइंड को कंडीशन करती है सबका। और बेचारे जो लड़के होते हैं, टीनेज मतलब कौन, 12 साल से लेकर के 19-20 साल तक के बच्चे, इसको टीनेज बोलते हैं। इनके पास तो इंटीमेसी भी नहीं होती है, इनकी शादी हुई नहीं होती है, बहुत बार तो गर्लफ्रेंड भी नहीं होती उनके पास, तो अपना अकेले ही अपने बॉडी के साथ ही करते हैं, उनको तो बस खाली फैंटेसी होती है बस, और कुछ नहीं होता। और जब तक आप आदमी बनते हैं, जब आपकी शादी की उम्र आती है, ज़्यादातर लोगों ने इसी रिपीटेड हैबिट को इतनी बार कर लिया होता है कि और कुछ जानते ही नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए सेक्स केवल एक बहुत ही छोटा सा रोल प्ले करता है। वैसे किसी को बहुत बड़ी चीज़ दे दी जाए लेकिन उस बड़ी चीज़ को वो जानता नहीं कैसे यूज़ किया जाता है तो ख़त्म कर दे। मैंने कहानी सुनी थी, कहीं एक औरत थी बेचारी, उसको पता नहीं था रुपया पैसा क्या होता है, उसका हस्बैंड कहीं विदेश से हीरे मोती भेजता था तो उसको पता नहीं था, तो हीरे मोती बेच करके टमाटर खरीद लेती थी, वो एक पाव हीरा एक पाव टमाटर। वो सोचा 10 साल बाद कि हम आएंगे, अब करोड़पति हो चुके होंगे, घर पर पहुँचा तो ख़त्म। यही हमारा होता है, हम अपने हीरे मोती बेच करके टमाटर लेते हैं। ये नॉर्मल लोगों की कंडीशन यही है। अगर आप चाहते हैं कि सेक्स को सही तरीके से, जिस तरह से ऋषि मुनि केवल ऐसा नहीं थे कि घर बार छोड़ करके जंगल में दाढ़ी बढ़ा लिया, उनके पास कुछ है नहीं, उनके पास इतनी शक्तियाँ थी कि वो लोग पूरा ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, ऐसा कहा जाता है। सप्त ऋषि अभी भी
आकाश में पूरे ब्रह्मांड को अपने मैनेज करते हैं अपनी शक्तियों से। तो उस शक्ति को अगर आप सचमुच में, चलिए आप वहाँ तक नहीं पहुँचने की सोच सकते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आप अपना जॉब करेंगे, आप अपना बिजनेस करेंगे, आपकी ज़िंदगी में एक संयम आएगा, अगर उसको भी आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको इस साइकिल से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। कौन सा साइकिल? आपका जो बचपन का साइकिल है, सबसे पहले गले सेंसेशन हुआ, फिर फैंटेसी हुआ, फिर टेंशन बिल्डअप हुआ और इजैकुलेशन हो गया। इस साइकिल से आपको फ्री होना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपने आप को अनहैबिचुअलाइज करना पड़ेगा, मतलब जो हैबिट लगी है उसको उल्टा करना होगा। इसको ठीक करने के जो प्रोसेस है, उल्टा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं अनहैबिचुअलाइज। अगर आप चाहते हैं आप लाइफ की पोटेंशियल को, ग्रोथ को, उस पीक को अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपनी इस मास्टरबेशन की जो हैबिट है उसको अनहैबिचुअलाइज करना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो कि आपका सेक्स शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाए। सेक्स का एक्चुअल जो पर्पज़ होता है वो हस्बैंड और वाइफ को और नज़दीक लाना होता है पूरी ज़िंदगी भर के लिए, ताकि उनकी दोस्ती जितनी आज है उससे ज़्यादा गहरी, उससे ज़्यादा इंटीमेट, उससे ज़्यादा क्लोज हो सके जैसे जैसे समय बीतता जाता। तो सबसे पहला है अनडू करना, जो भी आपकी टीनेजर की हैबिट थी उसको अनडू करना होगा। बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत पावरफुल आपको ट्रिक्स बताते हैं। जैसे ही आपके बॉडी में मास्टरबेशन करने का मन करता है और आप सचमुच में अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, आपकी आदत से फ्री होना चाहते हैं, आप मालिक बनना चाहते हैं, मतलब आप अपनी मर्जी से सेक्स करना चाहते हैं ना कि जब आपकी बॉडी चाहती है, तो जैसे ही सेंसेशन हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी के ऑर्गन्स को टाइट कर देते हैं, पकड़ते हैं। तो अपने नीचे के ऑर्गन्स को भी आप टाइट मत करिए, ठीक है, सेंसेशन होने दीजिए, आप उसको ढीला कर दीजिए। तो ये पहले लेवल पे आपने उसको कट कर दिया, जो हैबिट थी उसका साइकिल तोड़ना शुरू कर दिया। फिर आपको लग रहा है ऐसे आपका फेस ऐसे स्क्विंच कर रहा है, चेहरा भी एकदम टाइट हो रहा है इमेजिनेशन से, उसको भी रिलैक्स कर लीजिए। जैसे ही आप अपने बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करेंगे, आप देखेंगे आपका माइंड भी अलग तरीके से बिहेव करता है। और जब आदमी सेक्स करना चाहता है, मास्टरबेशन करना चाहता है, तो उसकी सांस भी बहुत शैलो हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। उसको भी आप ध्यान से स्लो कर लीजिए और डीप कर लीजिए। बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि सर कैसे मास्टरबेशन पे कंट्रोल आएगा, तो बहुत सिंपल चीज़ है, आपको दवाई नहीं खानी कोई, आपको किसी गुरु का मंत्र नहीं लेना है, अपने चेहरे को, अपने सांस को और अपने मसल्स को रिलैक्स करना है। और आप साथ साथ, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि आप देखेंगे आपका चेस्ट और आपका बेली ये भी टाइट हो जाता है। जब भी आप कुछ भी बहुत इस तरह का एक्शन करते हैं जहाँ पर आपको एनर्जी बाहर फेंकनी होती है तो पूरा बॉडी टाइट हो जाता है, तो उसको भी आप क्या करेंगे, ढीला कर देंगे। अब दूसरा स्टेप क्या है, आपको प्री मेच्योर इजैकुलेशन से बचना है, ऐसा ना हो जाए कि सेक्स से पहले ही आपका स्पर्म निकल जाए, या सेक्स चालू किया और विदिन 5 मिनट 10 मिनट स्पर्म निकल गया, आप वो नहीं करना चाहते हैं। तो क्या करें, आप अपनी बॉडी का सेंसेशन, जो कि आपको कंट्रोल करता है, जो आपका मालिक है, उसके बजाय आपको किस चीज़ पर फोकस करना है, आपके पार्टनर के बारे में जिसके साथ आप सेक्स कर रहे हैं कि वो कैसा महसूस कर रहा है इस समय अचानक से। बिकॉज इसके लिए आपको सेक्स करने के लिए बहुत बड़ी मजबूरी है, बहुत लोग नहीं कर पाते क्योंकि उनका माइंड में, अगर फैंटेसी नहीं कर पाएंगे आप, अगर मान लीजिए आप बहुत परेशान हैं और आप सोच नहीं पा रहे हैं कोई सेक्सुअल बातचीत को, तो सेक्स नहीं कर पाते आप मास्टरबेशन नहीं कर पाते, तो आप क्या करेंगे, आप फोकस करेंगे अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में सोचना शुरू करना है, बजाय अपने बॉडी के सेंसेशन को, जो मास्टरबेशन में होता है, आपके पेनिस के कोने में जो बहुत अच्छा सा एक महसूसियत होती है, एक्सपीरियंस होता है, उसके बारे में सोचने के बजाय आप सोचिए कि मेरा पार्टनर इस समय कैसा महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा होगा। आप उसकी बॉडी के मूवमेंट्स को फील करिए, आप उसकी आवाज़ को ध्यान से सुनिए, उसके इंटरनल एनर्जी को महसूस करिए कि वो कैसा महसूस कर रही है। एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, मैं चाहता हूँ अपने सेक्स के एक्सपीरियंस को, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा चाहता हूँ अपने लाइफ पार्टनर को ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो आपका कंट्रोल अपनी बॉडी पर तो आएगा ही आएगा, लेकिन अपनी फैमिली की खुशी पर भी आएगा। बिकॉज जिस बंदे की वाइफ खुश नहीं होती उससे सेक्सुअली, उसके घर में लड़ाइयाँ, पता नहीं कौन कौन सी वजह से लड़ाइयाँ होती रहती हैं, उसको पता भी नहीं चलता है। और ऐसे ही घर में बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। कैसे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स, पति पत्नी के अलावा कोई और तीसरा बंदा आ जाता है, पता भी नहीं चलता क्यों आ जाता। हर चीज़ का सीक्रेट है प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका माइंड पूरी तरह से, जो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी पर कंट्रोल होता है, तो धीमे धीमे प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा कैसे अपने माइंड को अपने ही बॉडी पर फोकस करके, खाली अपना ही सेंसेशन के अलावा, आप अपनी वाइफ के ज़रिए, एक प्यार के ज़रिए, एक लाइट, एक अंडरस्टैंडिंग और एक खुशहाली की तरफ जा सके। इसी से फोकस का खेल है, बहुत मुश्किल नहीं है, धीमे धीमे प्रैक्टिस से आप सीख सकते हैं। ये जहाँ पर आप सामने वाले को फील करते हैं, हमेशा अपने आप का, अपना स्वार्थ बीच में नहीं लेकर आते हैं, यही सच्ची लव मेकिंग का सीक्रेट है। जहाँ पर ऐसा होगा वहाँ पर कभी भी आदमी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, बिकॉज वो अपनी बॉडी को ऐसे चला सकता है, इतना देर तक अपने सेक्स को रोक सकता है, अपने मास्टरबेशन को रोक सकता है जब तक वो चाहे, बल्कि वो चाहे तो मास्टरबेशन ना भी करे और सेक्स कर ले। ये भी विधियाँ बताई गई हैं तंत्र में, अपने प्यार को
और बाहर ले जाइए, अपनी बॉडी में जो अपनी बॉडी के साथ प्यार करते हैं, सेक्स करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, उससे अपनी वाइफ तक ले जाइए। और उसके बाद उसी प्यार को, प्यार मतलब अपनी समझ को, अपनी एनर्जी को और आगे ले जाइए। कैसे? अपने काम में। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। जब आप बैठे हैं, आपका ध्यान एक तरफ जा रहा है, अपनी बॉडी के ऊपर जा रहा है, और ख़ासतौर से सेक्स के समय तो पूरा का पूरा ध्यान यहीं खिंच जाता है, दिमाग में केवल फोटोज़ चलती रहती हैं। आप एक नंगी लड़की या नंगे लड़के का फोटो देखा तो पूरा का पूरा ध्यान में, दिमाग में वही चलता रहता है। तो वहाँ से अपने ध्यान को हटा करके कहीं और लगाने में आपको प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। लेकिन जो लोग भी अपने माइंड के साथ प्रैक्टिस कर पाते हैं, वो कुछ न कुछ बड़ा अचीव कर पाते हैं। आपको वीडियो तो पसंद आया होगा ना, आपको तो पता ही क्या करना है, ये इधर लाइक और कमेंट में लिखकर बताइए क्या समझ में आया, सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना है। नमस्कार।